और फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को। 2000 किलोमीटर की पूरी जर्नी है और अभी देख लीजिए ये हमारा मीटर भी यहाँ पर सेट हो गया एकदम 0.0 पर। रीडिंग आ रही है 31913.6 और ये है NH4 का स्टार्टिंग पॉइंट। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये पूरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर कन्याकुमारी है और यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ये देख लो भाई रीडिंग अभी इस पर दिखाएगा, मैंने सेट कर लिया 0 पर। अब यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट होगी और अब चलेंगे अपन आगे की तरफ। NH44 का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। ये स्टार्ट हो गया हमारा सफ़र आज का और हम निकल गए हैं अब यहाँ से मदुरई के तरफ। सो गुड मॉर्निंग है एवरीवन, दिस इज 30th December 2023 एंड वी आर स्टार्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम कन्याकुमारी, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। और फ्रॉम हियर जबलपुर इज 2000 किलोमीटर्स, टू बी वेरी प्रिसाइज 2021 किलोमीटर्स। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जबलपुर, लेट्स सी हाउ इट गोस। बाकी सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, एक नंबर है, चंगा है जी एकदम। होटल साव करके है, इस पर मैंने एक मेदू बड़ा और एक कॉफ़ी पी है। सुबह के 7 बज रहे हैं, पेट्रोल फुल अप करा लिया है, पर्ची भी रख ली हमने इस बार, पता नहीं क्यों बस रख ली है। और अब यहाँ से अपन निकल गए हैं, वापस रोड के ऊपर आ गए हैं। अच्छी जगह है, मतलब वेदर अच्छा है यार, तो ठीक है। ओके सो कन्याकुमारी से अभी तक हम 200 किलोमीटर्स कर चुके हैं, टाइम इज़ 9:34, टेम्परेचर एंड वेदर इज़ परफेक्टली ऑसम फॉर राइडिंग। और जो हमने लास्ट पेट्रोल लिया था वहाँ से शायद मैं 150 आ गया हूँ और अभी तक मैंने कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं लिया है। तो अभी आगे मैं सोच रहा हूँ कि मदुरई आने वाला है, आई थिंक मदुरई इज़ ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर्स एंड आई हैड टू टेक अ ब्रेक बिफोर दैट। सो आई हैड हर्ड दैट श्रावण भवन द बेस्ट प्लेस आई हैव एवर रिटन फॉर डोसा एंड वड़ा, तो समवन हैज़ रिकमेंडेड मी दैट यू शुड स्टॉप एट श्रावण भवन विच इज़ बिफोर मदुरई टोल प्लाजा। तो आई एम वेटिंग कि अगर मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ सो आई कैन हैव सम स्नैक्स और सम लाइट मील, लेट्स सी। सो स्टिल सम मोर किलोमीटर्स टू राइड एंड देन अगेन वी विल स्टार्ट सून, सो सी यू एट द ब्रेक। ओके तो अभी मैं रुका हुआ हूँ श्रावण भवन, जैसे मैंने वादा किया था अपने आप से ये श्रावण भवन में रुकेंगे। टोल नाके की जस्ट पहले ही है ये, लेफ्ट हैंड साइड पर अच्छी जॉइंट है और यहाँ पर बैठ के अभी मैंने पूरी ऑर्डर दे दिया है। तो पूरी के साथ साथ मैं पीने वाला हूँ जूस, वो भी पाइनएप्पल का, उसका भी ऑर्डर मैंने दे दिया है। जब तक मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट, मिलते हैं आपसे रोड। फाइनली अभी एक फ्यूल ब्रेक लिया है और गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट चलाई है अभी तक 396 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी और लास्ट स्टॉपेज आई थिंक ये 150 प्लस तो हो गया है, 220 पे था, क्योंकि अभी फ्यूल पूरा फिल करवा लिया फिर से एक और बार। और अभी मेरे को एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सेलम जो है वो अभी भी बचा हुआ है कुछ 60 किलोमीटर्स, मदुरई भी मैंने 20 किलोमीटर्स पहले ब्रेक लिया था और यहाँ पर 60 किलोमीटर्स पहले ले रहा हूँ, बट ठीक है चलता है क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है पानी पीने की। हाइड्रेशन करते रहेंगे तो वीकनेस और टायर्डनेस कम फील होगी, एक्चुअली उससे आप फ्रेश बने रहते हो। तो टोल प्लाजा के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर मिल जाते हैं अक्सर कर स्टॉपेज ना, एंड यहाँ पर दख तो रहा है बट उतना हैपनिंग नहीं है। क्या यहाँ पर ले सकते हैं? मैंने कहा नहीं 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 यहाँ ही लेंगे, आगे लेंगे, आगे दिख रहा है मेरे को कार वार खड़ी हुई है, वहीं पर माहौल बनाएंगे। चलो भाई, सो आफ्टर अ क्विक ब्रेक तो नहीं था, करीबन 20-25 मिनट का मैंने ब्रेक लिया आराम से क्योंकि काफ़ी लंबी गाड़ी चलाई है अभी तक। 400 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं, टाइम हो रहा है 1:30, लोकेशन है 60 किलोमीटर्स बिफोर सेलम और फ्यूल भी हो गया है। बस मैंने कॉफ़ी और एक लीटर पानी पी लिया है यार, मतलब एक लीटर पानी धीरे धीरे पिया लेकिन पी लिया, वो ज़रूरी है यार, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर भी दिखा रहा है 38 के आसपास, तो अभी लंबा जाना है क्योंकि अब अगला ब्रेक शायद सेलम के बाद उसके और आगे ही लेंगे, मतलब ऐसा है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे। और सेलम आ गए भाई साहब, कितने बज गए? 2 बज गए, 37 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हैवी लग रहा है तो थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। ये मुझे पहले बताया गया था कि सेलम में
जंक्शन टाइप का है, मतलब बैंगलोर का भी रास्ता है, कन्याकुमारी का भी है, पौंडीचेरी भी जाते हैं लोग, तिरुपति भी जाते हैं। सो इट्स बेसिकली जंक्शन, और यहाँ से काफ़ी सारे रूट्स हैं, और ये हाईवे निकला हुआ है, लोग वीकेंड पर निकले हैं अब घूमने फिरने के लिए, तो बस भाई चल रहा है जैसे भी चल रहा है। और अपन ने थोड़ा सा लिया यहाँ पर आराम से, आराम से, आराम से मेरे भाई। क्या यही रास्ता बेंगलोर का है मेरे भाई? जगह इस ट्रिप पे आने से पहले इतना ज़्यादा डाइसी था मैं, बिकॉज़ दो हफ्ते पहले बारिश हुई और उसके कारण यहाँ पे काफ़ी बाढ़ हुई थी। जिस इलाके से मैं निकला हूँ थोटकुडी वगैरह से, वहाँ पर काफ़ी सारे बाढ़ के सीन थे, भयंकर फ्लड आया हुआ था दो हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले की बात है। और उसके बाद कोविड की भी न्यूज़ आ रही थी थोड़ी बहुत, तो आई वॉज लिटिल स्केयर्ड। डर तो लगता ही है यार, अपनी सेफ्टी दूसरे की सेफ्टी भी रहती है ना, इसलिए। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं आज चलते हैं, अब क्या बारिश हो गई है, फ्लड भी निकल गया होगा, अगर मैं बैठ के वहीं सोच लेता कि नहीं रहन दो कैंसिल करते हैं इस साल भी, तो शायद ये चीज़ पूरी नहीं हो पाती। और आप निकल जाओ तो निकल जाओ, मतलब सफ़र ऐसा है बस, और जो होगा वो होगा, और जो नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। आप बस पॉजिटिव माइंड की सेट के साथ रहो हमेशा। कृष्णागिरी मुंबई दिखाई दे गया, पीछे हैदराबाद मुझे दिखाई दिया था, अच्छा फील हो रहा है कि अब हम जो है अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी हमने 450 किलोमीटर्स कंप्लीट कर ली, लेकिन अच्छा लगा यार, मतलब ट्रिप हो गई, आप पहुंच गए, लेकिन अभी भी ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अभी आखिरी मुकाम बाकी है अपना जबलपुर पहुंचने का, मैं कृष्णगिरी पहुंचने वाला हूं, 26 किलोमीटर्स रह गया है। कृष्णगिरी से शोलागिरी के बीच में मुझे कहीं पर रुक के खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि अभी 3:30 बज रहा है, ये परफेक्ट टाइम है खाना खाने का। और बेंगलोर तो काफ़ी दूर है, और बेंगलोर में जाना नहीं है हमें, शोलागिरी से ही कहीं टर्न लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक ब्रेक लेते हैं, मैप को भी सेट कर लेंगे, थोड़ा डिस्टेंस कैलकुलेशंस कर लेंगे, रात के भी कैलकुलेशंस करने हैं, तो वो सब कैलकुलेशंस एक ब्रेक में होगा। अभी ब्रेक लेने का टाइम आ गया है, मिलता हूँ आपसे ब्रेक पर। रोड एक नंबर है, एक नंबर मतलब मक्खन, एकदम मक्खन। वैसे रोड पर गाड़ी है ना, सब मक्खन की तरह चली आ रही है, मतलब बढ़िया चल रही है यार। ये रोड अगर अच्छी रहती है ना, तो आप आराम से कर सकते हो, पता है 1200 जो इतना भी कर सकते हो। ये था एस लाल स्नैक्स, अभी नया नया जॉइंट खुला हुआ है, ये बेंगलोर हाईवे पर ही है। और ये अभी टाइम हो रहा है 4:17 टू बी वेरी प्रिसाइज। मैप मैंने अभी सेट किया है, भाई लोग ऐसे गाड़ी लगाए थे अभी ठुक जाएगी, तो मेरे से मत पैसे लेना। तो यहाँ पे मैंने अभी किया है दो रोटी का और साथ में दाल तड़का, दाल तड़का बहुत मिर्ची थी, मना की थी उसके बाद भी उसने रख दी। चलो ठीक है, जो सब ये जो भी है, अभी यहाँ से 4:17 हो गया। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई किए, बट मैंने फिर डिसाइड किया कि अभी तो चलते हैं अपन, देखते हैं रात में जैसी मर्जी होगी वैसा काम करेंगे। अभी अपन 550 किलोमीटर आ चुके हैं, सामने पहाड़ क्या खूबसूरत है यार। और मैं खेल रहा हूँ अभी सिर्फ कर्नाटका और तमिलनाडु की बॉर्डर के बीच में, कभी मैं कर्नाटक चले जाता हूँ, कभी तमिलनाडु चले जाता हूँ, तो बेसिकली ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर बॉर्डर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। मैंने एक गूगल मैप की सहायता से ये डाला हुआ है, और सीधे मुझे ये हैदराबाद लेके जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली मुझे कहाँ जोड़ेगा, तेवन हल्ली पे जोड़ेगा शायद। ओसूर से आने में अगर जाते तो वहाँ से ट्रैफिक बहुत मिलता, शायद 4-5 घंटे लग जाते, क्योंकि जैसा स्थिति है ट्रैफिक की बेंगलोर में, उसका खौफ मेरे अंदर से जाता नहीं है। तो उससे बेटर है कि हमने ये गूगल मैप डाला हुआ है, बढ़िया है, गाँव के अंदर से ले आ रही है, रोड सिंगल लेन है, और बढ़िया अपन चले जा रहे हैं मस्ती के साथ, एन्जॉय करते हुए। और क्या चाहिए दोस्तों जीवन में, यही तो जीवन है बस, ये चाहिए था जीवन में कि अभी निकल जाते अपन। तो ये था बेंगलोर, थोड़ा सा यहाँ पर पड़ा बेंगलोर, और हम आउटर रिंग रोड पकड़ के कैसे भी करके बाहर आ गए। ये एक जगह थी, यहाँ पर मैंने कॉफ़ी पी है, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, मूड अच्छा हो गया एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब मूड इन द सेंस, बीच में रोड थोड़ी सी अजीब टाइप की मिली थी ना इसलिए, तो उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है। और फिर अभी नाइट है, तो उसके हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ती है, चार्जिंग भी करनी थी, वो भी अपन ने कर लिया है। इतना ही अपडेट करना है, अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:15 के आसपास, और बाकी तो ठीक है। ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, तो मैंने तुरंत लाइनर वगैरह सब ऊपर रखे हुए थे, निकाले और पहन लिए, समय का सदुपयोग करते हुए चार्जर को उसके अंदर डाल देते अपन। चलो अब निकलने की बारी आ गई है, मिलते हैं आपसे रोड। नाइट में तो अच्छी स्पीड चल रही है, 80 पे आ रहा हूँ, तो आराम से। 4-lane हाईवे है, और ये हाईवे है आपका NH 44 बेंगलोर से हैदराबाद, एंड इट इज़ जस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट हाईवे आफ्टर बेंगलोर टू कन्याकुमारी। वो तो मतलब अलग ही लेवल का था, ये मतलब ये भी अच्छा ही है, एक दो डायवर्जन मिले, बट इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मूथ, बहुत बढ़िया हाईवे, बहुत बढ़िया, आई एम एन्जॉइंग इट एक्चुअली। और दिमाग में सिर्फ एक चीज़ हैदराबाद क्रॉस करता है रात में, क्योंकि दिन में बहुत ट्रैफिक रहेगा, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इस मोमेंट पर। रुका हुआ हूँ
आई थिंक यहाँ से अनंतपुर 64 किलोमीटर्स है। उसके पहले एक पेट्रोल पंप पड़ गया, वहाँ पर एक जॉइंट दिखा मुझे, मैंने कहा जॉइंट पे अपन सैंडविच खाएंगे और साथ में पियेंगे कॉफ़ी, तो अभी यहाँ पर कॉफ़ी पी रहा हूँ। रात के सफ़र का एक मज़ा है वो ये है कि रात को सफ़र बड़े आसानी से कटे आता है, खाते पीते निकल जाता है, तो बीच में ब्रेक लेते चलो। नुकसान ये है थोड़ी बहुत नींद आती है, डेफिनेट है अगर आप एकदम नियम से सोने वाले हो ना, डेफिनेट है नींद आएगी। तो ठीक है, देखते हैं जितना चलेगा तब तो चलेगा, नहीं चलेगा तो तब रोक लेंगे, अभी तो बढ़िया चल रहा है। लेकिन कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आप। रात के 1 बज रहे हैं, किलोमीटर 987 फ्रॉम कन्याकुमारी से अभी तक, और हम हैं करनूल में इस समय, और हैदराबाद यहां से अभी दिखा रहा है 211 किलोमीटर 211। तो सफ़र तो अभी चालू है और कहीं एक जगह रुक के अभी ब्रेक लेना पड़ेगा थोड़ा सा। 1000 किलोमीटर हो गए हैं अपने अब, ऑलमोस्ट केवल 12 किलोमीटर शेष हैं 1000 किलोमीटर में, ये मेरा पर्सनल बेस्ट है, और 18 घंटे के अंदर 1000 किलोमीटर, ये देखना है कि 24 घंटे में मैंने कितने कवर करना है बस। यहाँ पे लिया मैंने चाय और कॉफ़ी दोनों का ब्रेक, अच्छी दुकान थी, ये है करनूल एक्चुअली, तो करनूल में ही मैंने कहा एक ब्रेक ले लेता हूँ। रात के अभी कितने बज रहे हैं, 1:30 बज रहा है, 1:27 हो रहा है टाइम, और ऑलमोस्ट 996 मतलब 1000 किलोमीटर्स हो गए हैं मेरे। नींद उड़ गई है पूरी एकदम से, मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों मैंने पी लिए उठा के, पानी भी पी लिया साथ में। हाइड्रेट करते रहो अपने आप को ना तो सही रहता है, फिर रिफ्रेशिंग रहेगा हमेशा। फाइनली सुबह के 5 बज रहे हैं, हैदराबाद में एंटर कर रहे हैं, एयरपोर्ट इधर सीधे जाना है अपने को, तो एयरपोर्ट थोड़ी जाना है, हैदराबाद जाना है। सुबह के बज रहे हैं 9:45, टाइम हो रहा है 9:45, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। ये वही होटल है जिसमें मैं रुका था, अब मैं एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं, एंड गुड टू गो है। तो बस अब निकल गए हैं वापस रोड पर, और आज 31st है तो आज प्रॉब्ली हमें हिट कर जाना चाहिए। चेन थोड़ी सी ढीली हो गई है, चेन को टाइट करवाना है कहीं पर रुक के यार। और अभी हम निकल गए हैं नागपुर के लिए, तो यही नेशनल हाईवे 44 है जो नागपुर भी जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे इस हिंदी वाले सफ़र को, जो कल इंग्लिश में सफ़र बन गया था। यहाँ पर हमने लिया एक छोटा सा चाय ब्रेक, चिप्स और पानी ब्रेक, और यह है टोल प्लाजा आई थिंक निज़ामाबाद का। टाइम हो रहा है 12:37 मतलब 20 मिनट। मैं अभी क्या रहा ना, एक रेशियो लेके चल रहा हूँ, वेन एवर यू आर कवरिंग 200 किलोमीटर्स टेक अ ब्रेक फॉर 20 मिनट्स, इफ़ यू आर कवरिंग 100 किलोमीटर्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। जितना किलोमीटर एक बार मार रहे हो उसका डिवाइड बाय 10 कर दो, और उतना मिनट का ब्रेक आपका होना चाहिए। तो और यहाँ पर हो गया तेलंगाना ख़त्म और महाराष्ट्र चालू, और इस तरीके से दो दिन के अंदर मैंने, दो दिन मतलब कल सुबह अगर स्टार्ट किया जाए तो 24 घंटे के अंदर मैंने क्रॉस किए 5 स्टेट्स, और अभी 6वां स्टेट एंटर करूँगा मध्य प्रदेश में, और 5 स्टेट्स हो गए हैं। सबसे पहला था तमिलनाडु कन्याकुमारी से, दूसरा स्टेट पड़ा बेंगलोर कर्नाटका, तीसरा पड़ा मुझे आंध्र प्रदेश जहाँ पर था करनूल, उसके बाद आया हैदराबाद जो कि था तेलंगाना, और ये महाराष्ट्र जहाँ पर पड़ेगा नागपुर, और उसके बाद अगला होगा मध्य प्रदेश जबलपुर, एंड देन हेयर गोज हेयर कम्स जबलपुर 450 किलोमीटर्स टू गो, नागपुर 170 किलोमीटर्स टू गो। यार ये रोड पे ना ऐसा क्यों कर देते हैं यार, इससे देखो गाड़ी कितनी अनबैलेंस आती है, टायर लग रहा भग रहा है सर, यहाँ वहाँ भग रहा है यार, किसी को मालूम हो तो रीज़न कमेंट करके बताना है कि ये रोड पे ऐसा क्यों कर देते हैं। टू व्हीलर्स को बहुत दिक्कत होती है उस पर यार, बहुत ज़्यादा, मतलब झाड़ू लगा दिया ऐसा लग रहा है रोड पे ना, पूरी गाड़ी एकदम अनबैलेंस टाइप की चल रही है।
और ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही है, और भी जगह पे होता है, ऐसा नहीं है, मैंने शायद बिहार में भी देखा था। बट आई थिंक दैट रोड्स इन दी महाराष्ट्र आर दी वर्स्ट कंडीशन, उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ की रोड बहुत अच्छी थी यार। साउथ में ना करनूल के पास रोड हाईवे वॉज ऑसम, और बैंगलोर से कन्याकुमारी तो इट इज़ लाइक, मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल बटर है, बटर बहुत ज़्यादा स्मूथ था यार, बहुत ज़्यादा, वो बहुत बढ़िया रोड थी। तो नागपुर पहुँचने वाले हैं, टाइम में हो रहा है 3:17, और आज हमने किलोमीटर्स अभी तक कवर कर लिया ऑलमोस्ट 400 के आसपास। हैदराबाद से जो नागपुर है वो एक्चुअली 450-60 के आसपास कुछ पड़ता है। यहाँ से वर्धा और नागपुर दो रास्ते हैं। अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा मैप सेट करना पड़ेगा, क्योंकि नागपुर से एक आउटर रिंग रोड है जो बाहर ही बाहर मुझे कनेक्ट करेगी NH 44 पर दोबारा से, क्योंकि शहर के अंदर से जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसलिए। अभी आगे आके थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, खाना खाने का ब्रेक लेना है। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाए तो उसमें ब्रेक कर लेंगे, और बस वहाँ पर मैप सेट कर लेंगे और फिर गाड़ी बढ़ाएंगे अपन आराम से। अब यहाँ से मतलब कि 4 बजे अगर मैं पहुँच रहा हूँ नागपुर, तो यहाँ से 280-270 के आसपास है जबलपुर, तो इट विल टेक अगेन 3-3.5-4 आवर्स तक, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पैच आराम से कवर कर लेंगे। बात यार, ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है हाईवे पर बिना हेलमेट के। अभी मैं नागपुर से पहले बैठा हुआ और खा रहा हूँ मसाला पापड़, अपना फेवरेट। एक रेस्टोरेंट दिख गया विक्टर कामट आई थी जिसका नाम है, मैंने कहा खाना खा लो पहले, फिर चालू करेंगे अपन सामान, तो मिलता हूँ आपसे खाना खाने के बाद ऑन द रोड। और 5:10 हो गया है टाइम, सनसेट होने का टाइम हो गया है, साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2023, और इसके साथ ही ये सूरज भी डूब जाएगा, ये राइड भी ख़त्म हो जाएगी। कुछ और किलोमीटर्स बस मुझे जाना है, आई थिंक 200 समथिंग, और उसके बाद कल फिर सूरज उगेगा, कल फिर एक नया साल शुरू होगा, कल फिर एक नई राइड स्टार्ट होगी नए सपनों के साथ, नई जगहों के। हो मैं थैंक मतलब कर ही रहा हूँ, यहाँ से आ गए भाई साहब, दुनिया में वैसे देखो मूर्खों की कमी नहीं है यार। मतलब वन वे दिख रहा है भाई, उधर से ही डाल रहा भाई, क्या मतलब है तेरे को कुछ भी करने का। चलो आगे अपन चाय पीते हैं। सामने ट्रक पे शायद दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, लेकिन मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भाई क्या बात है, क्या बात है। अभी मैं रुका था एक जगह, तो वहाँ पर पेट्रोल पंप पे मैंने ये भारत पेट्रोलियम का है, अच्छा है मंसर से पहले, और यहाँ पे काफ़ी कुछ खाने पीने का था, मैंने कॉफ़ी पी फिर उसके बाद। और देखो दोस्तों, हमेशा मना करता हूँ कि कभी भी राइड के वक्त किसी की मदद मत करो यार, ये होता है मदद करने से। मेरे भाई सामने एक जा रहा है, इसका नाम है किशोर कुमार, ये तमिलनाडु से आया बेचारा, ये मुझे अभी रास्ते में समझे रोका, बोला कि मेरे संग बहुत बड़ी ट्रेजडी हो गई। ट्रेजडी सुनिए क्या हुई है, पता है, इसने एक छोटा लड़का था 10 साल का, महाराष्ट्र के बाद इसने कहीं तो उसको वो फॉरेस्ट एरिया में लिफ्ट दिया, वो बैठ गया इसके पीछे, एक तो जगह नहीं इसके पीछे, इसने उसको जगह दी बैठने के लिए और वो बैठ गया। इस भाई का एक पर्स था, उसमें थे 14,000 रुपये, कितने 14,000 उस बंदे ने, उस छोटे से लड़के ने वो 14,000 रुपये का पर्स इसका मार लिया, और ये भाई अब बिना पेट्रोल के, मतलब इसे पेट्रोल तो है बट प्रॉब्लम यही है अब कि इसको दिल्ली जाना है, कश्मीर से प्लान किया है इसने, कश्मीर से कन्याकुमारी प्लान किया है। तो भाई ऐसा हो जाता है भाई, ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी है ना राइडिंग के वक्त आप लिफ्ट मत दो, ये सब एथिक्स घर छोड़ के आओ यार। 9 बज गए हैं और मैं आ गया हूँ धूमा में, और कन्याकुमारी से जबलपुर नॉन स्टॉप जो मारा है लगभग आई थिंक कितना मारा ये 40 घंटे के अंदर, 40 घंटे में से 30 घंटे तो राइडिंग करी है मैंने, 10 घंटे समझ लो कि 4 घंटे इधर सोया उधर बातें करी ये सब करा, पर 30 से 31 घंटे में अपन ने कन्याकुमारी से जबलपुर नॉन स्टॉप मारा। उसके उपलक्ष्य में आज हम रसगुल्ला और रेवड़ी खा रहे हैं, और ये मेरी फेवरेट है, 2018 में पहली बार खाई थी, तब से आज तक खा रहे हैं, पार्टी तो बनती है। आप भी आओ कभी खाओ। अक्कू मेरे भाई, तू मेरा सच्चा भाई, भाई वो तुझे मालूम है कि तू मेरा सच्चा भाई क्यों है, और मैं भी जानता हूँ। बाकी मेरे सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार, सभी को हैप्पी न्यू ईयर,
आज 31 दिसंबर ख़त्म हो गई है बस। तो ये रहा जवाब, ये है फाइनल रिकॉर्डेड रीडिंग 3386 9.1 9:57 PM और सामने है जबलपुर का मेडिकल मोड़।